और इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आ रही है, जहां पर दुल्हन के अपहरण का मामला। जी आपको बड़ी खबर सीकर से बता रहे हैं, जहां पर दुल्हन के अपहरण का मामला है। आपको बताते, पुलिस ने दुल्हन को दस्तयाब कर लिया है आखिरकार। सीकर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मामले में सीकर पुलिस को एक बड़ी सफलता आखिरकार हासिल हो चुकी है। पुलिस ने कई लोगों को भी साथी इसमें हिरासत में ले लिया है। सीकर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दुल्हन के अपहरण के मामले में अब दुल्हन को दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। लगातार राजपूत समाज में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा था और आखिरकार मामले में सीकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई और साथ ही पुलिस ने कई लोगों को भी इसमें हिरासत में ले लिया है। सीकर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दुल्हन के अपहरण का मामला था, आपको बता दें मामले में सीकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार दोषियों को भी पकड़ा जा रहा था और साथ ही दुल्हन को भी पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे और आखिरकार सीकर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार राजपूत समाज में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा था, आक्रोश देखा जा रहा था और आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता आज हासिल हो गई है। सीकर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर दुल्हन को अब दस्तयाब कर लिया गया है। लगातार मांग की जा रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, आक्रोश देखा जा रहा था और आखिरकार अब सीकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई दिनों से लगातार राजपूत समाज के लोगों में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा था और अब पुलिस ने साथ ही कई लोगों को भी इसमें हिरासत में ले लिया है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस ने दुल्हन को अब आखिरकार कई दिनों के बाद दस्तयाब कर लिया है। बड़ी सफलता मान सकते हैं सीकर पुलिस की। लगातार उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा था और आज आखिरकार दुल्हन को दस्तयाब इस मामले में कर लिया गया है। लगातार दुल्हन के दस्तयाब की मांग की जा रही थी, राजपूत समाज में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा था। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको, जहां पर सीकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दुल्हन अपहरण का यह मामला था, जहां पर लगातार कई दिनों से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, कई दिनों से ये लगातार चल रहा था। दुल्हन के दस्तयाब की मांग की जा रही थी और आज आखिरकार दुल्हन को दस्तयाब कर लिया गया है। मामले में चार आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका था, तो वहीं मुख्य आरोपी अंकित लगातार फरार चल रहा था, लेकिन अब दुल्हन को भी इसमें दस्तयाब कर लिया गया है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दुल्हन अपहरण का मामला लगातार गरमाया हुआ था। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता आनंद फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी आनंद बताएं। रवीना, मैं बताना चाहूंगा, जो अगवा की गई थी दुल्हन, उसको पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, मिल गई है और एक दो युवक भी साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलासा पूरी तरह पुलिस नहीं कर पाई। कुछ देर बाद में पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस ने राहत की जरूर सांस ली है, क्योंकि ये पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया था मामला। वहीं राजपूत समाज में भी काफी आक्रोश था, तो अब दुल्हन के मिलने से कहीं पुलिस ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं राजपूत समाज का आक्रोश भी शांत हुआ है। जी रवीना, आनंद, पुलिस ने और भी कई लोगों को हिरासत में लिया है, वो कौन लोग हैं? पुलिस ने पहले चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जो अगवा करने में आरोपी का सहयोग किया था, उनको तो पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अभी दुल्हन को बरामद किया है और दुल्हन के साथ में एक दो युवक और बताए जा रहे हैं। पूरा मामला अभी पुलिस थोड़ी देर में पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी आनंद, आखिरकार इस दुल्हन को भी अब बरामद कर लिया गया है, आप ये बताएं कि क्या अब राजपूत समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है? जस्ट अभी पुलिस ने ये सूचना दी है कि दुल्हन बरामद हो चुकी है, तो अभी राजपूत समाज के लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है और अभी पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, तब पूरा पता चल पाएगा कि कौन सा युवक जो भगा के ले गया था, उनके साथ में और कितने युवक साथ में थे, तो अभी पूरा खुलासा पुलिस कुछ देर में करेगी। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक राहत की खबर आपको बता रहे हैं सीकर से, बड़ी खबर, जहां पर दुल्हन अपहरण का मामला लगातार गरमाया हुआ था और सीकर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब दुल्हन को दस्तयाब कर लिया है।